नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 14 Pro वर्सेस Motorola Edge 50 Neo का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 6.39 इंच जबकि 15 Neo में 6.07 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Xiaomi Redmi Note 14 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 2.93 इंच जबकि 15 Neo में 2.8 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Xiaomi Redmi Note 14 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 190 ग्राम जबकि 15 Neo में 171 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में AMOLED जबकि 15 Neo में PIOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 6.67 इंचेस जबकि 15 Neo में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1220x2712px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 88.95% जबकि 15 Neo में 90.13% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 446 पिक्सल प्रति इंच जबकि 15 Neo में 465 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 15 Neo की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 15 Neo की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और 15 Neo में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 4 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G615MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में MediaTek Dimensity 7300 Ultra और 15 Neo में MediaTek Dimensity 7300 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 128GB जबकि 15 Neo में 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 5500 mAh जबकि 15 Neo में 4310 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 4 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ ₹20,000 में मिल जाता है, और बात करें 15 Neo की तो वो 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ ₹23,999 में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करिए Motorola H50 Neo की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 50 Neo आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G, ये दूसरा वीवो Y200 Pro 5G, ये तीसरा ओप्पो K12X 5G है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इन्फिनिक्स नोट 45G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।